हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने नसबंदी ऑपरेशन खुलवाने के बाद कब आप ठीक हो पाती हैं, यानी कि जो ट्यूब है वो कब अच्छे से सही होती है, ये जो ऑपरेशन है कब रिकवरी इसकी होती है सही से। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें, जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। छोटा सा ये वीडियो है और पूरी जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगी काफ़ी कम समय लेके। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। अगर वीडियो सही लगता है लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहेंगे। याद रखिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको आने वाली वीडियोज़ का मिलते रहे। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आपने नसबंदी ऑपरेशन खुलवाया है तो उसके बाद आप जानना चाहती हैं कि ये सर्जरी जो हुई है वो कब रिकवरी उसमें हो पाएगी। तो देखिए, अगर आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है तो 2 हफ्ते उसको सही होने में लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद आपको फैमिली प्लानिंग कब करनी है, तो आपको उसके बाद फैमिली प्लानिंग तब करनी है, एक बार आपको अपना पीरियड आने देना है, यानी कि आपने की जो पीरियड हार्मोन है वो सेट होने देना है। तो जब आपका पहला पीरियड आ जाता है, उसके बाद जब सेकेंड पीरियड जब आपका आता है, तो उस टाइम पर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम आपको उससे नहीं होगी। देखिए, जब आपका जो लैप्रोस्कोपिक अगर आपकी सर्जरी हुई है नसबंदी ऑपरेशन खुलवाने के लिए, उसके कुछ दिन तक आपको, यानी कि 2 हफ्ते तक आपको जहाँ पे आपका टांका लगा है उस जगह पे आपको टेंडरनेस या फिर पेन की, हल्की फुल्की पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर पेन किलर और एंटीबायोटिक दे रहते हैं, तो वो ज़रूर लीजिए। और इसके बाद आप फैमिली प्लानिंग करना चाहती हैं तो वो समय सही रहेगा आपका, दूसरे पीरियड के टाइम पे आप फैमिली प्लानिंग करेंगी तो ये आपके लिए सही रहेगा।